हेलो फ्रेंड्स, न्यू सक्सेस ट्रैक में आपका स्वागत है। आज होमवर्क सीरीज का डे टू है, तो आज मैंने होमवर्क डाल दिया हूँ। मैं अच्छे से होमवर्क बना रहा हूँ, आप लोग तैयारी में कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आप लोग को 2213 में एक पोस्ट लेना है, इसलिए आप लोग इस होमवर्क को कंप्लीट करते रहिए। एक दिन 24 घंटे का समय मिलता है, आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए, ऑब्जेक्टिव बनाते रहिए। जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको कंप्लीट करते रहिए, इसलिए आप इससे लगातार जुड़े हुए रहिए। आज विश्व आदिवासी दिवस है, जो कि 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो चलते हैं होमवर्क की ओर, बढ़ते हैं कि आज का होमवर्क मैंने क्या दिया हूँ। हिस्ट्री में जो लूसेंट का समान ज्ञान है, जिसे सब्जेक्टिव कहते हैं आप लोग, सब्जेक्टिव में मैंने दिया है हिस्ट्री में महाजनपद का उदय और बौद्ध धर्म। महाजनपद का उदय में क्या याद रखना है, क्या याद करना है, तो याद करना है कि जैसे मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, मगध की राजधानी राजगिरी, इसकी राजगिरी याद रखना है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह राजगिरी से पूछे जाते हैं, राजधानी से पूछे जाते हैं। और साइंस के जो बायोलॉजी क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान में क्या रखना है कि सेल वॉल किसे कहते हैं, गोल्जी काय किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं, ये सब जो टॉपिक में जो भी टॉपिक आते हैं उसको कंप्लीट रखना है। इस सब से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया समान ज्ञान सब्जेक्टिव का बात हो गया। अब हम ऑब्जेक्टिव, मैंने आज क्या क्या बदलाव, थोड़ा सा बदलाव कर दिया कि ऑब्जेक्टिव जो भी मैं सब्जेक्टिव में टॉपिक दूंगा वही टॉपिक ऑब्जेक्टिव में भी दूंगा। तो हिस्ट्री से मैंने रखा है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का ज़्यादा याद नहीं करना है, इसका याद करना कि कौन सा नदी के किनारे यह बसा हुआ है और कौन किसने बनाया था और कब इसकी खोज हुई थी और यह अभी प्रेजेंट में कहाँ स्थित है। तो सिंधु सभ्यता से लूसेंट ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट कर लेना। और साइंस के बायोलॉजी से वनस्पति विज्ञान की शाखाएं और पादप जगत को कंप्लीट कर लेना। वनस्पति विज्ञान की शाखाएं जैसे हर्पेटोलॉजी है, सिल्विक कल्चर है, अर्गी कल्चर है, इसमें किसका अध्ययन होता है इसके बारे में पढ़ना। और पादप जगत तो जान ही रहे कि पौधे से संबंधित है, इसके बारे में अध्ययन करना है। इसमें जो भी हो, जहाँ से भी हो, मटेरियल आप इससे कंप्लीट करिए। जिनका भी जो भी किन्हीं का भी नोट हो उनसे आप कंप्लीट कीजिए। इन सारे टॉपिक को कंप्लीट करते जाए, क्योंकि यह दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला करेंट अफेयर की बात करते हैं, जो कि स्पीडी का है। तो स्पीडी का जो करेंट अफेयर है उसका टॉपिक मैंने रखा है पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार और सम्मान कंप्लीट कर लेना, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया, नोबेल प्राइज़ हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, ये सब जो पुरस्कार दिए जाते हैं। खेल से संबंधित नहीं अभी पुरस्कार याद करना है, लेकिन पुरस्कार और सम्मान याद कर जाना है कंप्लीट। और जो पीछे है ऑब्जेक्टिव है, जो एसपीडी का जो पीछे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है, उसको 1 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना है शुरू से, जब से स्टार्ट हो 1 से लेकर 50 क्वेश्चन शुरू करना। आप इसी तरह हमेशा लगल रहिए और कंटिन्यूटी नियंत्रणता बनाए रखिए। 1 सेट प्रैक्टिस हो जाना, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके औकात पता चलते रहे कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं आपको रोज़ाना यह होमवर्क डालते रहूँगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक से पता चल जाएगा कि आप लोग को यह होमवर्क सीरीज फ़ायदा कर रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसलिए आपसे अलविदा लेता हूँ, धन्यवाद।